हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। तो ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ धार्मिक गीत गाए जा रहे हैं, तो क्या स्पेशल होगा। तो ऑब्वियसली स्पेशली बात है कि हमारे यहाँ पे गुग्गा मंडली स्टार्ट हो गई है और ये हमारे हिमाचल में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आप सभी को पता है कि हिमाचल में ये सब छोटे मोटे रीति रिवाज होते रहते हैं जिनको हम पूरी तरह से संपूर्ण करते हैं। तो ये जो गुग्गा मंडली होती है राखी के दिन स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से कुछ लोग 5-7 लोग इकट्ठे होकर कुछ धार्मिक गीत वगैरह गाते हैं और उनको कुछ सामान वगैरह लोगों के द्वारा दिया जाता है। फिर कम से कम 8-9 दिन तक ये इसी तरह से चलता रहता है और जो भी देवता वगैरह होता है वो सभी घर में जाता है और सभी को आशीर्वाद देते हैं। तो ये गुग्गा मंडली बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कल राखी का त्यौहार था और बहुत सारे भाइयों ने अपनी कलाई पे राखी बांधी और उनके लंबे जीवन की कामना भी बहनों के द्वारा की जाती है। तो ये जो त्यौहार होता है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। और हम लोग गए हुए थे पिछले कल सुंदरनगर, तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्लिप्स वगैरह लिए, लेकिन सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा बारिश भी हुई और साथ में मुझे उल्टियाँ वगैरह भी होती रही रास्ते में, तो बहुत संभल संभल कर जाना पड़ा। तो मेरा भी कुछ टेस्ट वगैरह था, इसी वजह से हम लोग गए हुए थे। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है राखी स्पेशल ब्लॉग। तो मैंने भी संजीव भाई को राखी बांधनी थी, तो जैसे ही हम लोग सुंदरनगर से आए तो हम सीधा उनके घर चले गए और उनके घर जाने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ी देर गपशप मारी और फिर मैंने भाई को राखी बांधी। और वंदना दीदी ने भी पतिदेव को राखी नहीं बांधी हुई थी क्योंकि हम लोग सुबह ही निकल आए थे। तो हम लोगों ने बोला था कि हम लोग वहीं आ जाएंगे दीदी के ही घर, फिर वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे राखी का त्यौहार। और फिर मैंने अपने मायके भी जाना था क्योंकि मुझे भी अपने भाई को राखी बांधनी थी। तो आप सभी को पता है कि संजीव भाई मेरे धर्म के भाई हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे राखी का त्यौहार मनाया और बहुत मज़ा भी आया। सानू मृदुल दीदी और भाई के साथ बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे थोड़ी सी देर रुकने के बाद हम लोग चले गए थे अपने मायके और पतिदेव गए हुए थे अपने ससुराल, यानी ससुराल और मायके में हम दोनों चले गए थे। बचपन में हम भी ऐसे करते थे ना, मम्मी पापा सबको पहनाते थे, बोलते राखड़ी बोल दो मेरी भाई। अब मैंने सबसे ज्यादा पक्का याद रखा जो लेके गई थी बड़े व्हाइट कलर का, वो ऊपर ही देखी थी नहीं नहीं काले रंग का रहा है खाई। ट्राई कर लेना अभी ना, नहीं होगा तो दूसरे रिप्लेस कर लेंगे। बहुत अच्छा है। तो इस तरह से बनाई हम लोगों ने राखी, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा भी आया। उसके बाद शानू और मृदुल ने भी अपने पापा को राखी बांध दी। और हमारे यहाँ तो ऐसा ही करते हैं कि जब भी लड़की अपने मायके जाती है या अपने मायके में होती है तो सभी को बारी बारी से राखी बांध देती है ताकि उसको ढेर सारे गिफ्ट्स वगैरह मिलें। आप सभी लोगों ने देखा ही होगा या ऐसा किया ही होगा कि लड़की जो है अपने मम्मी पापा भाई बहन सभी को राखी बांध देती है और सब फिर कहती है कि मुझे गिफ्ट्स चाहिए ढेरों। तो यहाँ पे शानू और मृदुल भी इसी तरह से कर रहे थे। तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, अपने माता पिता के साथ इसी तरह से लड़ते झगड़ते प्यार लाड करते हैं। उसके बाद दीदी ने भी पतिदेव को राखी बांधी।
एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से बाकी मोबाइल बाप को और मेरे को भी रक्षाबंधन रक्षाबंधन इस तरह से मनाया हमने 2021 का रक्षाबंधन। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और ये भी बताइएगा आप लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया। हमने तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया। News 24 क्या है मैं धन्यवाद News 24 का। तो कुछ इसी तरह से सेलिब्रेट होता रहा वंदना दीदी के घर ये राखी का त्यौहार और बच्चे भी पीछे नहीं रहे तो शानू और मृदुल भी अपने मामा और मामी को राखी बांधने के लिए तैयार थे तो इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो फिर उसके बाद मैं चली गई थी अपने मायके क्योंकि मुझे अपने भाई को भी राखी बांधनी थी तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, कम से कम 6:30 यहीं बस गए थे हम लोगों को और फिर उसके बाद हम निकल चुके और फिर यहाँ पर भी मैंने अपने भाई को राखी बांधी तो इसको भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो मेरे जो भी कज़न सिस्टर थी वो आ गई थी पहले ही क्योंकि उन्होंने इसको फिर पहले राखी बांध दी थी तो मैंने इसको पहले ही बोला हुआ था कि तू राखी पहन लेना फिर मैं जब आऊँगी तो मैं आपको राखी बांध लूँगी। तुम भी खाए दे, तुम भी खाए दे मीठा। चलो अच्छा अच्छा अजमेरा से बड़ी दूर से आया फिर तो आपका 5 स्टेटों से बॉर्डर क्रॉस करके। भाई को राखी बांधने के बाद अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपने बड़े भाई से। तो ये मेरे मासी जी के बड़े बेटे हैं तो इनका घर भी मेरे घर के साथ ही है, आजकल ये शिफ्ट हुए हैं अपने न्यू घर में तो ये भी यहीं थे तो इनको भी मैंने राखी बांध दी। तो बारी बारी से ये प्रक्रिया यहाँ पे चलती रही। फिर इसके बाद मिलवाती हूँ अपने मामा जी के बेटे से तो ये भी मेरे भाई हैं और इनको भी मैंने राखी बांधी। तो बारी बारी से सबका नंबर आता रहा और इसी तरह से सेलिब्रेट होती रही मायके में भी राखी। तो ढेरों सारे गिफ्ट्स भी यहाँ पे मिले मुझे और ढेरों सारा प्यार भी मिला। तो अब मैं मिलवाती हूँ आपको बड़ी भाभी से तो ये जो मेरे मासी जी के लड़के थे बड़े वाले तो ये इनकी वाइफ हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इनका घर भी हमारे घर के साथ ही है तो इन्होंने न्यू घर बनाया हुआ है और हम यहीं रहते हैं तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने राखी मनाई और मुझे ढेरों सारे गिफ्ट्स ढेरों सारा प्यार ढेरों सारा आशीर्वाद मिला। बाकी एक बात मैं आपको बता दूं कि आज राखी के दिन यानी 22 अगस्त को मेरी भाभी का यानी बाबा जी की वाइफ का जन्मदिन भी है तो वो वाला क्लिप मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा और कमेंट भी करिएगा। तो ये है मेरी भाभी वो।
तो हमारे यहाँ पे इसी तरह से सिंपल तरीके से ये त्यौहार मनाया गया और बहुत अच्छा भी लगा। तो आपके साथ तो शेयर करना तो बनता ही था कि किस तरह से हम लोगों ने ये त्यौहार सेलिब्रेट किया। तो बाकी का जो ब्लॉग है नेक्स्ट हमारा, वो बहुत ही ख़ास होगा और बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उसमें बाबा जी की वाइफ के बर्थडे के जो जो क्लिप्स हम लोगों ने कैप्चर किए हुए हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का जो ब्लॉग था बहुत ज़्यादा लंबा भी हो गया था, तो इसी वजह से मैंने ये फिर इसमें नहीं ऐड किया। तो मैं कल आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो रखिएगा अपना ख्याल और जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। मम्मा को किस कर दो, बुई को भी। हाँ।